तो चलिए शुरू करते हैं। तापसी खुद को समय के इतना क्लोज देख शमौ गई। इस वक्त वो जिस पोजीशन में बेदी थी ये देख उसे खुद पर और शमा आ रही थी। उसके दोनों पैर समय की कमर से लिपटे हुए थे। तापसी समय के गले से बाहें निकाल उठने की कोशिश करने लगी। उसे हिलता देख समय ने उसे और टाइटली पकड़ के कोल्ड वॉइस में कहा, बटरफ्लाई तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हो। तापसी समय की कोल्ड वॉइस सुनते ही शांत हो गई। उसने हिलना दुलना छोड़ समय के सिने पर सर रख दिया। समय थोड़ी देर आंखें बंद कर तापसी के गर्दन में सर छुपा के बैठा रहा। तापसी का एक हाथ कब समय के बालों में चला गया उसे खुद पता नहीं चला। तापसी हल्के हाथ से समय के बालों को सहला रही थी, जिसे समय के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी। इस स्माइल के पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जाने। इस वक्त समय के दिमाग में क्या चल रहा है वो बता पाना मुश्किल है। थोड़ी देर हुई बैठे रहने के बाद तापसी मासूम सी आवाज में बोली, आप मुझसे अभी भी नाराज है। समय बिना इमोशन के सिफे हमम कहा। तापसी उसके हमम कहने से उदास हो गई। फिर उसने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे ही बेदी रही। समय ने जब सिने पर कुछ गीला गीला फील हुआ उसकी आंखें खुल गई। समय अपना सर निकाल तापसी के चेहरे को सिने से निकाल देखा तो तापसी की जलसी आंखें आंसूओं से भीगी हुई थी। उसे दोनों गाल भी आंसूओं से भीगे हुए थे। समय तापसी की भीगी हुई पलकों को बारी बारी चूम के कहा, क्या हुआ बटरफ्लाई तुम रो क्यों रही हो। समय को पता था वो रो क्यों रही है, फिर भी उसने अनजान बनने का दिखावा किया। तापसी झील मील आंखों से समय की आंखों में देख मासूमियत से बोली, आप मुझसे गुस्सा है। इतना बोल वो फिर से रोने लगी। समय उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोछे के कहा, हा बटरफ्लाई में अभी भी गुस्सा हूँ और क्यों हूँ तुम जानती हो मुझे। एक बात दो बार रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुमसे कहा था मुझे महसूस करो लेकिन तुमने मना कर दिया, तो स्वीटहार्ट गुस्सा तो आएगा ना। तापसी नजरे झुका के समय की सट को अपने छोटे हाथों में भर के मासूम सी आवाज में बोली, माँ मुझे क्षमा आ रही थी इसलिए मैंने ना में सर हिलाया। समय सर सोफे के पीछे टिका के आंखें बंद कर, ओ बटरफ्लाई मेरी बटरफ्लाई कितनी इनोसेंट हो तुम्हें मुझसे सिफे डरना चाहिए। ये क्षमा तुम्हें छोड़नी होगी। तुम्हारी आंखों में मुझे सिफे अपने लिए डर दिखना चाहिए और कुछ नहीं। चलो कोई नहीं बटरफ्लाई में तुम्हें सब सिखा दूंगा। अब तुम मेरी हो, मैं अपनी बटरफ्लाई को अपनी तरह बना दूंगा। इसकी शुरुआत आज से ही होगी। इसे पहले मैं अपनी बटरफ्लाई को कुछ खिला दूं, उसके बाद मैं अपनी बटरफ्लाई को प्यार करना सिखाऊंगा। समय तापसी को बाहों में उठा के पहले बाथरूम में ले गया। उसका चेहरा हाथ साफ कर उसे अपने साथ अपनी लिफ्ट से लेके नीचे आ गया। हॉल में सारे सर्वेंट सर झुका के खड़े थे, कुछ सोफे के पीछे छुप के खड़े थे तो कुछ पीले के पीछे। समय जब लिफ्ट से बाहर आया तो उसे कुछ अजीब सी स्मेल आने लगी। स्मेल काफी बुरी थी। तापसी मुंह बना के बोली, छी ये कितनी गंदी स्मेल है। समय अपने मुंह पर हाथ रख गुस्से में चिल्ला के, राघव राघव, जो पिला के पीछे मुंह पर मास्क लगा के छुपा हुआ था। जैसे ही उसने समय की आवाज सुनी वो तुरंत बाहर आके समय के सामने जाके खड़ा हो गया। समय गुस्से में, ये स्मेल कैसी है राघव। एसएम ये आज के डिनर की स्मेल है जो उन दोनों ने बनाया है। समय हैरान होके वोट, तापसी राघव की बात सुन किसने डिनर बनाया वो भी इतनी गंदी स्मेल वाला। राघव सर झुका के, मैम ये डिनर वरुण सर और आपके भाई ने बनाया है। तापसी अपने भाई का नाम सुनते ही जोर से चिखी नहीं, वो इतनी तेज चिल्लाई कि समय राघव ने अपने कान पर हाथ रख लिए। समय आंखें छोटी कर बुरी तरह तापसी को घूरने लगा। तापसी मुंह पर हाथ रखना में सर हिला के बोली, आज मेरा व्रत है मुझे भूख नहीं लगी, आप जाके डिनर कर लीजिए। मैं कमरे में वापिस जाती हुई, राघव तापसी की बात पर, मैम मुझे भी अभी याद आया मेरा भी व्रत है, मैं भी नहीं खा सकता। समय दोनों की बात सुन दोनों को गुस्से में बुरी तरह घुर के कहा, दोनों में से कोई भी यहाँ से गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समय तापसी का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले जाते हुए बोला, बटरफ्लाई ऐसे कैसे तुम्हें भूख नहीं है, आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आज तुम्हारे दोनों भाई ने अपनी क्यूटी पाई के लिए खाना बनाया
है, तुम्हें मेरे साथ उसे खाना होगा। और राघव, तुम्हारे दोस्त ने खाना बनाया है, उसे बिना खाए तुम कहीं नहीं जा सकते। राघव समय की बात सुन बुरा सा मुंह बना के, बोस आप मुझसे नाराज हो तो ऐसे ही सजा दे दो, लेकिन उसे हाथ का खाना खाने को मत बोलो। समय बिना पीछे मुड़े तापसी को चेयर पर बिठा के अपनी चेयर पर बैठ बोला, यहाँ आके बैठो राघव। राघव रोने जैसा चेहरा बना के जाके अपनी चेयर पर बैठ गया। समय की बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। समय के बैठते बाकी सर्वेंट मुंह को ढक किचन में चले गए। वो जैसे ही किचन में कदम रखा, उसकी हालत देख सारे सर्वेंट का रोने का मन कर रहा था। दोनों सेफ खाने के बटन देख अपना सर दीवार पर मारने का कर रहा था। राहुल अपने खाने को देख बड़ी सी स्माइल कर बोला, वाह राहुल वाह, आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है, आज तूने दुनिया की सबसे अच्छी डिश बनाई। राहुल खुद सी तारीफ करते हुए, खा दे से उसने बहुत अच्छा खाना बनाया हो, उसकी बनाई हुई डिश देख दो सर्वेंट को उल्टी आ गई। दोनों किचन से तुरंत बाहर भागे। वरुण पराठे सेकते हुए बोला, यार ये खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। राहुल अपने खाने को देख बड़ी सी स्माइल कर बोला, वाह राहुल वाह, आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है, आज तूने दुनिया की सबसे अच्छी डिश बनाई। राहुल खुद सी तारीफ करते हुए, खा दे से उसने बहुत अच्छा खाना बनाया हो, उसकी बनाई हुई डिश देख दो सर्वेंट को उल्टी आ गई। दोनों किचन से तुरंत बाहर भागे। वरुण पराठे सेकते हुए बोला, यार ये खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। राहुल सब्जी को पीछे टेबल पर रख बोला, सही कहा रुन, देख मैंने एक नहीं चार चार सब्जी बनाई, करेले का रायता, भिंड का सूप, मसाले दाल आलू, मटर की ग्रेवी और साथ में खीर भी। वरुण हाथ साफ कर, और मैंने बिरयानी के साथ मूली के पराठे बनाए। सेफ सब्जी पराठे बिरयानी देख अपना सर पक लिया। सब्जी का रंग और उसकी स्मेल ऐसी थी जिसे कोई भी इंसान बेहोश हो जाए। दूसरा सेफ खाने को देख बोला, क्या बोस इसे खाने वाले है? पहला सेफ, मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने ये खाया तो अगले 10 दिन कुछ खा नहीं पाएंगे। दूसरा सेफ, मुंह पर हाथ रख, मुझसे इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है अभी उल्टी कर दूंगा। पहला सेफ, कंट्रोल कर वरना बोस हमें नौकरी से निकाल देंगे, उसके बाद हमें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। डाइनिंग टेबल पर तापसी मुंह बना के राघव को देख बोली, राघव भाई उनको खाना बनाने को किसने कहा? राघव उंगली से समय को और इशारा कर, बोस ने उनको खाना बनाने की सजा दी है। तापसी हैरान होके, क्या आपने उनको सजा दी? समय उसकी बात सुन बिना एक्सप्रेशन बोला, हाँ मैंने उनको सजा दी। तापसी मुंह बना के मन में बोली, उनको सजा देनी थी तो कुछ और दे देते, ये क्यों दी सजा, उनकी नहीं हमारी होने वाली है। तब तक राहुल वरुण अपने हाथ में एक एक डिश पक के बाहर आए। उसके पीछे दोनों सेफ अपने हाथों में बाकी डिश लेके आए। सारी डिश टेबल पर रख दी। खाने की स्मेल और कलर देखते ही राघव तापसी का चेहरा देखने लायक था। दो ही रोने वाले चेहरे बना के खाने को घूर रहे थे। पीछे खड़े सेफ को भी उनकी हालत पर तरस आ रहा था। इस वक्त सबसे ज्यादा रोना तापसी को आ रहा था। उसने एक बार अपने भाई के हाथ की मैगी खाई थी, उसे खाने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल पर पहुंच गई थी। उसके बाद से उसने कसम खाई थी वो कभी अपने भाई को खाना बनाने को नहीं कहेगी। राघव कभी पराठे को देखता तो कभी वरुण को, पराठे पराठे कम कुछ और ही लग रहा था। उसमें से कुछ अजीब स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ दिन का बासी खाना रखा होता है। वैसी उसका आकार गोल था लेकिन रंग ब्लैक और ग्रीन था। ब्लैक इसलिए क्योंकि कुछ पराठे जल चुके थे, और ग्रीन इसलिए क्योंकि उसमें ग्रीन मटर का भी यूज किया था। पराठे गोल इसलिए बने थे क्योंकि वरुण ने पराठे गोल दिस से कट किए थे। राघव पराठे को उठा के बोला, ये क्या है? आगे से नीला पीछे से काला, ये कैसा पराठा है? यूनिक पराठा है, तेरे यार ने बनाया, खा के देख, उंगली या चाटता रह जाएगा, वरुण ने पराठे की तारीफ करते हुए कहा। वरुण की बात सुन राघव पराठे को ऐसे देख रहा था जैसे वो पराठा नहीं उसका जानी दुश्मन हो। समय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस था। राहुल खाने की तारीफ
करते हुए कहा, देख यार आज मैंने तेरी पसंद की सारी डिश बनाई है। भिंडी का सूप बनाया, मसाले दाल आलू करेले का रायता, मटर की ग्रेवी, साथ में चावल की खीर। तूने अकेले नहीं, मैंने भी बनाई है। मैंने अपने यार के लिए उसकी मनपसंद बिरयानी और पराठे बनाए। वरुण ने राहुल की बात बीच में काट के कहा, राघव खीर को घुर के इस खीर का कलर नीला क्यों है? राहुल, अरे मैंने इसमें पिस्ता डाला है, साथ में ग्रीन टी का भी यूज किया है। राघव, तापसी खीर में ग्रीन टी सुन दोनों की ही आंखें बाहर आने वाली थी। राघव सोकद होके, खीर में ग्रीन टी? वरुण हा में सर हिला के, ग्रीन टी सेहत के लिए अच्छी होती है, रोज पीनी चाहिए। तापसी भिंडी का सूप देख मुंह बना के बोली, भाई भिंडी का सूप कौन बनाता है? तेरा भाई बनाता है, राहुल ने अपना कॉलर ऊपर कर कहा, जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया हो। तापसी को अपने भाई की बात सुन चक्कर आने लगे, सूप देख उसे उल्टी भी आने लगी। राघव रायते को, देख भाई लोग आपने इसमें क्या डाला है, इसका कलर नीला क्यों है? राहुल ने रायता देख कहा, ये तो समय की मनपसंद सब्जी है जिसे मैंने अपना टच दिया है, लोगों ने करेले की है किया, दो डिश खाई होगी लेकिन मैंने सबसे अलग डिश बनाई है, दही में करेले का जूस डाल उसका रायता बनाया। करेले का रायता सुनते ही राघव का तो देसे खाना देख के ही पेट भर गया। उसे इस वक्त किसी पागल डॉक्टर को फोन करने का मन कर रहा था, अपने सामने खड़े दो महान आदमी को देख खुद का सर दीवार पर मारने का कर रहा था। समय खाने के नाम सुन उसका चेहरा अभी भी इमोशनलेस था। समय ने जैसे ही खाना सर्व करने को कहा, तापसी राघव ने तुरंत अपनी अपनी प्लेट उठा ली। तापसी बच्चों जैसा मुंह बना के समय को ना में सर हिलाने लगी। समय तापसी से प्लेट लेके नीचे रखी, राघव को भी प्लेट रखने को कहा। राहुल वरुण भी राघव के पास वाली चेयर पर बैठ गए। सर्वेंट मुंह बनाते हुए डिश उठाई, वो जैसे समय के पास आने लगी। समय ने हाथ दिखा के रोकते हुए बोला, पहले खाना आज के नए सेफ खाएंगे। सर्वेंट ने जैसे ही सुना उसकी आंखें चमकने लगी, वो बिना देरी किए राहुल वरुण की प्लेट में खाना परोसने लगी। समय पीछे खड़े सेफ को देख बोसी टोन में कहा, जाके हमारे लिए खाना बना के लाओ। सेफ समय की आवाज सुनते ही भाग के किचन में चले गए। सर्वेंट मुंह बनाते हुए डिश उठाई, वो जैसे समय के पास आने लगी। समय ने हाथ दिखा के रोकते हुए बोला, पहले खाना आज के नए सेफ खाएंगे। सर्वेंट ने जैसे ही सुना उसकी आंखें चमकने लगी, वो बिना देरी किए राहुल वरुण की प्लेट में खाना परोसने लगी। समय पीछे खड़े सेफ को देख बोसी टोन में कहा, जाके हमारे लिए खाना बना के लाओ। सेफ समय की आवाज सुनते ही भाग के किचन में चले गए। तापसी राघव ने जैसे ही दूसरे खाने की बात सुन दोनों की आंखों में चमक आ गई। राघव अपनी चेयर से खड़ा होके समय के पास आके उसके पैरों में लेट के बोला, बोस आप महान है। महान नहीं, ग्रेट है, आपने हम मासूम बच्चों पर तरस खाके हमें इस खाने से बचा लिया। तापसी राघव को इस तरह समय के पैरों में लेटा देख वो भी उसकी तरह लेट के बोली, हाँ समय जी आप सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। हाँ कभी कभी राक्षस बन जाते हैं, मॉन्स्टर बन जाते हैं, लेकिन आज आप सच में बहुत अच्छे लग रहे है। राहुल वरुण उन दोनों की बात सुन बुरी तरह दोनों घुने लगे। समय कोल्ड वॉइस में, बटरफ्लाई खड़ी हो जाओ। तापसी उसकी आवाज सुनते ही खड़ी हो गई। राघव भी खड़ा होके अपनी जगह पर जाके बैठ गया। तापसी समय के पास वाली चेयर पर बैठ गई। राघव राहुल वरुण को देख 440 वोल्ट की स्माइल कर दांत दिखा के बोला, अरे अरे आप दोनों ऐसे बैठे क्यों है? खाना शुरू कीजिए, आपने ही बनाया है, खाए खाए। राहुल वरुण उसे खा जाने वाली नजरों से घूर अपनी प्लेट को देखने लगे। सच कहे तो दोनों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अपना बनाया हुआ खाना खाने की। दोनों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। सेफ तब तक अपने हाथ में दो डिश लेके आए, पुलाव और दही का रायता। दोनों इतनी जल्दी यही बना सके सेफ ने खुद समय तापसी को खाना सर्व किया। राघव ने भी अपनी प्लेट में खाना लिया और राहुल वरुण के सामने प्लेट दिखा के अपनी जीभ होठों पर फिराई। राघव की इस हरकत पर वरुण राहुल और चिर गए। तापसी को खाना समय अपने हाथों से खिला रहा था। तापसी भी अच्छी बच्ची की तरह उसके हाथ से खाना खा रही थी।
तापसी की नजरें बार बार अपने भाइयों पे जा रही थी, उसे अब उन पर तरस आ रहा था। समय तापसी की नजरें दूसरी ओर देख कोल्ड टोन में बोला, खाना खाने को कहा है, घुने को नहीं। राहुल वरुण प्लेट को देख मुंह लटका के बोले, भाई हम कैसे खाएंगे ये खाना, देखना इसकी स्मेल कितनी गंदी आ रही है, खाना तो दूर इसे मुंह तक भी नहीं ले जा सकते। समय एरोगेंट वॉइस में बनाया, किसने है? राहुल वरुण सर झुका के, हमने। समय तो फिर खाओगे भी तुम दोनों, मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो चलो शुरू हो जाओ। तापसी को अपने भाइयों पर तरस आ रहा था, उसने समय का हाथ पकड़ अपनी झिलमिलाती आंखों से समय को देख बोली, प्लीज समय जी उनको हमारा वाला खाना खाने दीजिए, वो लोग ये खाना कैसे खाएंगे। समय तापसी को खिलाते हुए बोला, क्यूटी आप सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, बाकी लोगों पर अपनी नजरें नहीं जानी चाहिए। तापसी उदास होके, लेकिन वो मेरे भाई है, उन्होंने मुझे पाला है। समय तापसी के उदास चेहरे को देख के भी नहीं पिघला। राहुल वरुण को ना चाहते हुए भी अपना बनाया हुआ खाना खाना पड़ा। दोनों ने जैसे ही पहली बाइट मुंह में खरी, दोनों भाग के वॉशरूम में गए। दोनों के मुंह से एक निवाला तक नहीं उतरा। दोनों थोड़ी देर में वापिस आके अपनी चेयर पर बैठ गए। तापसी दोनों की हालत देख कुछ सोच के बोली, समय जी अगर आप यही चाहते है कि वो दोनों ये खाना खाए, तो क्या मैं उनको खुद नई प्लेट बना के दूं? तापसी की इस बात पर समय ने कुछ नहीं कहा। तापसी समय को कुछ ना बोलता देख उसकी हाँ समझ खरी होके राहुल वरुण के पास आई, जिनके चेहरे पूरी तरह पिए पर चुके थे। तापसी खाने को देख सबको जरा जरा टेस्ट किया। तापसी ने सर्वेंट को बुला के कुछ चीजें लाने को कही। सर्वेंट किचन में से शहद, दूध, गुड़ और मसाले का बॉक्स लेके आई। तापसी ने पहले खीर में से चावल एक खाली बर्तन में निकाले, उसमें दूध, गुरु और शहद डाला, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट, फिर सब कुछ मिक्स कर उसे खाने लायक बनाया। बिरयानी में से चावल और चिकन पीस अलग कर चिकन पीस पर सेजवान चटनी डाल, साथ ही थोड़ा सा सोल्ट डाला। चावल में भी कुछ मसाले मिक्स किए। रायता भिंडी का सूप और पराठे का तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन जो डिश वो सुधार सकती थी उसने दोनों को सुधारा और नई प्लेट बना के राहुल वरुण के सामने रखी। राहुल वरुण उस प्लेट को देख एक नजर तापसी को देख, तापसी ने दोनों को देख प्यारी सी स्माइल कर दी। राहुल वरुण उसकी स्माइल देख खीर को टेस्ट किया। दोनों ने पहले सिर्फ टेस्ट किया, उनको डर लग रहा था अगर ज्यादा मुंह में खरा और वो भी गंदा निकला तो। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक चम्मच खीर मुंह रखी, दोनों की आंखें चमक गई। दोनों ने कटोरी हाथ में ली और फटाफटा खाने लगे, जैसे कहीं महीनों के भूखे हो। वरुण चिकन पीस उठा के चावल साथ खाते हुए बोला, हमारी क्यूटी के हाथ में जादू है, बुरे से बुरे खाने को खाने लायक बना देती है। राहुल खीर की दूसरी कटोरी पीते हुए बोला, आखिर बहन किसकी है, मेरी क्यूटी पाए, आपको पता नहीं आपने कितनी अच्छी खीर बनाई है। और ये चिकन पीस भी, वरुण ने चिकन पीस दिखा के कहा। दोनों की बात सुन राघव अपनी प्लेट तापसी की ओर कर बोला, क्या मुझे भी ये खाना मिल सकता है? वरुण चिकन खाते हुए कहा, क्यों तू अपना खाना हमारा खाना क्यों चाहिए, मत देना क्यों टिपा। वरुण की बात इग्नोर कर तापसी मुस्कुरा के राघव की प्लेट में चिकन पीस और चावल रख दूसरी कटोरी में खीर रखी। राघव भी उस खीर और चिकन पीस को खाके अपनी उंगलियां चाटने लगा। राघव खाते हुए बोला, यमम सच में इस खीर का कोई जवाब नहीं, ये सच में काफी यमम है। अगर आप बकवास खीर को ऐसी खीर में बदल सकती हो तो रियल में कैसी खीर बनाओगी। समय ये देख अंदर ही अंदर जल भुन के राख हो रहा था। उसे तापसी की तारीफें किसी और के मुंह से सुन उसका खून खोलने लगा। उसका बस चलता तो वो आंखों से ही राघव राहुल वरुण को जान से मार देता और अपनी बटरफ्लाई को अपने अंदर छुपा लेता, ताकि कोई उसे देख ना सके, कोई उसकी तारीफ ना कर सके। इस वक्त उसकी आंखें काफी कोल्ड हो गई थी, उसकी आंखों में अंगारे जलने लगे। इन सब से अनजान राहुल राघव वरुण खाना खाते हुए तापसी की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे, जो आगे जाके तापसी के लिए खतरनाक होने वाली थी। इस तारीफ के कारण समय तापसी को क्या सजा देने वाला था, वो तो समय को ही पता
है। तापसी उसे कैसे सहन करेगी वो तो वक्त ही बताएगा। सजा तापसी को दग देगी या खुशी वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी होगा आप सबको बहुत मजा आएगा। एक प्यार दूसरे की सजा कैसे बनता है और दूसरा अपने प्यार को सुधारने के लिए कया कया करेगा वो जानने के लिए मेरी कहानी ये प्यार है या सजा जरूर रीड करना। इसमें प्यार भरपूर मिलेगा, रोमांस के सारे लेवल पार होगे, मस्ती भी होगी और नफरत भी। सजा ऐसी होगी जो खुद तापसी चुनेगी, इसमें कहीं भी समय की जबरदस्ती नहीं होगी। तापसी दूसरी खाली प्लेट में खाना सर्व कर समय के पास आके डरते हुए बोली, क्या आप खाएंगे? समय जो कि अपने ही ख्यालों में कहीं गुम था तापसी की आवाज सुन बिना कुछ बोले उसके हाथ से प्लेट लेके टेबल पर रख तापसी को खींच के अपनी लेप पर बिठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तापसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। समय ने ये सब इतनी फास्ट किया कि तापसी हैरान हो गई। बाकी तीनों अपने अपने खाने में बिजी थे, उन्होंने ने समय तापसी पर ध्यान ही नहीं दिया। समय तापसी कमर पर दोनों हाथ लपेट के उसके कानों में मदहोशी भरी आवाज में बोला, बटरफ्लाई अपने हाथों से खिलाओ। समय की बात सुन तापसी हैरानी से समय को देखने लगी जो उसके बालों से खेल रहा था। तापसी की नजरें देख समय तेरी स्माइल कर कहा, बटरफ्लाई तुम्हें पता है ना मुझे बात रिपीट करना पसंद नहीं है। तापसी समय की बात सुन घबरा गई, उसने टेबल से प्लेट हाथों में लेके चमचे से खीर लेके समय के मुंह के पास करी। समय ने चमचा देख मुंह नहीं खोला, उसने तापसी का हाथ पकड़ चमचे वापिस प्लेट में रख कहा, जान मैंने तुम्हें हाथ से खिलाने को कहा है ना कि इससे। तापसी उसकी बात पर और हैरानी से आंखें बरी बरी कर बोली, लेकिन खीर को हाथों से कैसे खिलाऊं? समय उसके बालों से खेलते हुए बोला, वो मुझे नहीं पता जान, लेकिन खिलाना तो तुम्हें इसी हाथों से पड़ेगा। समय की बचकानी जिद देख तापसी खीर को साइड रख चिकन बिरयानी को हाथों से खिलाने लगी। समय भी तापसी की आंखों में देखते हुए खाने लगा। तापसी बिरयानी खिला के खीर को देखने लगी जो अभी भी ऐसे ही थी। समय तापसी की नजर देख तेरी स्माइल कर बोला, जान जल्दी खाना खिला हो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बटरफ्लाई जल्दी से खिलाओ। तापसी मासूम सा चेहरा बना के समय को देख के बोली, मैं इसे कैसे खिलाओ, आप इसे चमचे से खा लो ना प्लीज। समय तापसी के मासूम चेहरे को देख कुछ सोच तिरछी स्माइल कर बोला, ठीक है जान मैं इसे चमचे से खा लूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तापसी मासूमियत से अपनी टिमटिमाती आंखों से, क्या चाहिए आपको? समय तिरछी नजरों से मुस्कुरा के बोला, आज रात तुम मुझे प्यार करोगी, मुझे वो सब करने दोगी जो मैं करना चाहता हूँ बिना रोके, और खुद भी मुझे वो प्यार दोगी जो मैं चाहता हूँ। बटरफ्लाई तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए कितना सनकी हूँ, तुम मेरी सनक हो जो जुनून से भी परे है। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी सनक थी, समय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। समय की बात सुन उसकी आंखों में खुद के लिए कुछ और देख तापसी के गाल कान शम से लाल हो गए। तापसी नजरें झुका के समय के सीने से लग गई। समय एक हाथ से उसकी कमर पकड़ दूसरे हाथ से खीर की कटोरी उठा के ऐसे ही पी गया। सब अपना लंच कर हॉल में आके सोफे पर बैठ गए। तापसी हाथ साफ करने के लिए किचन में चली गई। समय राघव वरुण राहुल हॉल में आके सोफे पर बैठ गए। समय राघव को देख मैंने जो मंगवाया है वो कहा है। राघव सोफे से सीधे खड़े होके बोला, SM वो बाहर है। समय बिना इमोशन अंदर लेके आओ। राघव हाँ में सर हिला के तुरंत बाहर भागा। वरुण राहुल समय को देख वरुण ने पूछा, क्या मंगवाया है तुमने? समय ने वरुण की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तापसी किचन से बाहर आके समय के पास आ गई। समय तापसी का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया। जिसे देख राहुल का बुरा सा मुंह बन गया। राहुल मुंह बना के बोला, ये मेरी क्यूटी को हर वक्त गोद में क्यों बिठाता है? वरुण उसकी बात सुन हल्की स्माइल कर समय को देखते हुए कहा, जाके खुद पूछ ले। राहुल ना में सर हिला के मुझे कया किसी पागव कुत्ते ने काटा है जो उसे सवाल करूं। वरुण करना भी मत वरना मारा जाएगा, उसे लोगों पर ओदर करना पसंद है लेकिन किसी से सवाल के जवाब देना नहीं। हमारा दोस्त पहले जैसा नहीं रहा तेरे और बटरफ्लाई के जाने के बाद, वो बदल चुका है।
राहुल उदास होके वो तो देखते ही समझ चुका था कि ये मेरा समय नहीं है। वरुण उसके कंधे पर हाथ रख फिक्र मत कर, हमारी क्यूटी उसे फिर से बदल देगी। हमारा हंसता मुस्कुरा था समय, हमें फिर से देखने को मिलेगा और वो हमें माफ भी कर देगा। बहुत जल्द हम तीनों फिर से साथ होंगे। राहुल उम्मीद भरी नजरों से तापसी को देख वरुण से कहा, वही उम्मीद से यहाँ खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ समय मेरी बहन से कितना प्यार करता है, वो उसे सबसे प्रोटेक्ट करेगा। हमारी क्यूटी को यहाँ लाने का मेन रीजन भी यही था कि समय अपनी बटरफ्लाई को उसे बचा ले। वरुण उसकी बात पर हाँ में सर हिला के कहा, वो बचा भी लेगा और वो उस हर इंसान को जान से मार देगा जो उसकी सनक को देखने की गलती करेगे। तापसी समय का प्यार नहीं उसकी सनक है, उसकी जीत जो वो इतने सालों से धुन रहा था। राहुल जानता हूँ समय हमें ढूंढने के लिए कया कया किया है। तापसी का पता लगाने के लिए उसने पूरे एशिया को अपने कंट्रोल में किया, व्हाइट ईगल बना जिसे आग, पूरा एशिया ही नहीं बाहर के देश भी डरते हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसका नाम ही काफी है नेता, पुलिस, माफिया, अंडरवर्ल्ड के दिलों में डर पैदा करने के लिए। आज समय मल्होत्रा व्हाइट ईगल बना, उसके पीछे भी तापसी ही है। तापसी समय की सनक है, उसकी जीती हुई ट्रॉफी है। मैं तो सिर्फ़ इस बात से डर रहा हूँ, जब तापसी के सामने समय का वो चेहरा आएगा तो वो क्या करेगी मेरी मासूम सी गुड़िया, कैसे समय का वो रूप सहन करेगी। वो तो छोटी सी चोट से डर जाती है, उसे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, वो कैसे समय से प्यार करेगी। प्यार करेगी नहीं, प्यार करती है, वरुण ने राहुल की बात सही करते हुए कहा। राहुल उसकी बात से हैरान होके कया, तू कया बोल रहा है, वो तो छोटी सी चोट से डर जाती है, उसे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, वो कैसे समय से प्यार करेगी। प्यार करेगी नहीं, प्यार करती है, वरुण ने राहुल की बात सही करते हुए कहा। राहुल उसकी बात से हैरान होके कया, तू कया बोल रहा है, वही जो सच है, तूने शायद देखा नहीं लेकिन मैंने देखा है। क्यूटी की आंखों में समय के लिए वो प्यार, वो भरोसा, जिसे उसे पूरा यकीन है कि समय के होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता, वरुण ने कहा। वरुण ने आगे कहा, हमारी क्यूटी समय से प्यार करने लगी है। राहुल दबल सोकद होके, मुझे डर लग रहा है, वरुण तिरछी स्माइल कर, डर वो भी एसएपी राहुल वमो को। राहुल वरुण की स्माइल देख चिरके कहा, हा एसीपी राहुल वमाओं को डर लग रहा है, यह बात मेरी होती तो शायद डरता नहीं लेकिन यह बात मेरी मासूम बहन की है जो एक हैवान से प्यार करने लगी है, जो लोगों की जिंदगी को मौत से बदतर बनाने से पहले एक बार नहीं सोचता। वरुण राहुल के कंधे पर हाथ रख, डर मत यार, तू जानता है समय को वो पूरी दुनिया को आग लगा सकता है लेकिन अपनी बटरफ्लाई को एक खरोच तक नहीं आने देगा। मैं जानता हूँ समय इस वक्त काफी खतरनाक बन चुका है, उसके सर पर लोगों की जान लेने का भूत सवार है, लेकिन तू ये भी जानता है कि समय ऐसा किसके कारण बना है, वो क्यों दुनिया से प्यार से रिश्तों से नफरत करता है, क्यों वो व्हाइट ईगल बना। राहुल वरुण की बात अच्छे से समझ रहा था, उसे पता है समय उसकी बहन को कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो डर रहा था। देर भी क्यों ना है तो एक भाई ही जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, अपनी मासूम बहन को एक हैवान के साथ देखना किसी भी भाई को मंजूर नहीं होगा। तब राघव अपने साथ कुछ लेके अंदर आया, उसे देखते ही राहुल वरुण सोकद हो गए, दोनों के मुंह आंखें खुले के खुले रह गए। तापसी की भी आंखें उस चीज को देख बरी हो गई, तीनों बिना पलक झपके उसे देखते रहे। राघव के पीछे 15 से 20 गादौस एक चिच को घसीटते हुए अंदर लाके होल के बीच रखा। राघव गादौस को इशारा कर अपना काम कर वहां से जाने को कहा। गादौस फटाफट अपना बाकी काम कर समय के आगे सर झुका के चले गए। समय तापसी को गोद में उठा के उस चिच के पास लाके बोला, सो माय इनोसेंट बटरफ्लाई, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट, तुम्हारे लिए सुंदर सा पिंजरा जहां अब से तुम कैद रहोगी। समय की बात सुन तापसी हैरानी से आंखें बरी कर उसे देखने लगी। समय उसे पलट उसे पीछे से हग कर अपना सर उसके कंधे पर रख बोला, गया हुआ बटरफ्लाई, अपना नया घर पसंद नहीं आया मेरी बटरफ्लाई के लिए, मैंने स्पेशली ओदर देके बनवाया है, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ रहोगी और ज्यादा उड़ भी नहीं पाओगी।
तुम अब से दो पिंजरे में कैद रहोगी, एक मेरे पिंजरे में जो तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में भर के रखेगा और दूसरा इसमें जहां तुम तब रहोगी जब मैं ऑफिस जाऊंगा या काम से बाहर जाऊंगा। इसमें तुम्हें मेरी बाहों जितना सुकून तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें तुम रहोगी तो मुझे सुकून जरूर मिलेगा। समय ने किसी सायको की तरह ये सारी बातें बोली थी, जिसे सुन तापसी अंदर से पूरी तरह कांप गई। तापसी अपने सामने ब्लैक पिंजरे को देख अभी तक सोकत थी, उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सेम हाल राहुल वरुण का भी थी, दोनों भी उतने ही सोकत थे जितनी तापसी थी। पिंजरा बिल्कुल वैसा था जैसा किसी पंछी को कैद करके रखने के लिए होता है, इसमें फर्क इतना था कि ये काफी बड़ा था और ये दो पिंजरों में बना हुआ था। पिंजरे का बीच का हिस्सा गोल था और दूसरा चौरस था। चौरसा पिंजरे की सलाखें ब्लैक थी और अंदर के गोल पिंजरे की सलाखें ब्लैक। गोल सलाखों वाला गोल पिंजरे के बीच में मुलायम रूई का गोल गद्दा लगाया हुआ था जो पिंक कलर का बना हुआ था। उसकी चारों ओर पीलो रखे हुए थे जिसे तापसी को बैठने में सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पिंजरे के बाहर सुंदर सी गोल्डन रंग की बटरफ्लाई बनी हुई थी। पिंजरा ना ज्यादा छोटा था ना ही ज्यादा बड़ा, तापसी के लिए समय ने बिल्कुल सही आकार का बनवाया था। पिंजरे में खाने पीने की सारी चीजें मौजूद थी। गोल पिंजरे के बाहर एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ था जिसमें खाने के पीने की सारी चीजें मौजूद थी। फ्रिज भी पिंजरे के अंदर ही था। चौरसा पिंजरे के अंदर फ्रिज और कुछ फ्रूट रखे हुए थे। राहुल पिंजरे को देख गुस्से में समय पर चिल्ला के बोला, ये क्या पागलपन है समय, तू मेरी क्यूटी को इसमें कैद करके रखने वाला है, तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है। मेरी बहन इंसान है, कोई जानवर नहीं जो तुम उसे कैद में रखने वाले हो। हाँ यार ये कुछ ज्यादा हो गया, तू तापसी को ऐसे पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकता, वो इस घर में सेफ है, वो यहाँ से तुझसे दूर कहीं नहीं जाएगी, भरोसा कर, वरुण ने समय को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। समय दोनों की बात सुनकर भी इग्नोर कर तापसी को ले जाके पिंजरे का पहला दरवाजा खोल तापसी को अंदर ले जाके दूसरा गेट ओपन कर हल्के से पुश कर दिया, जिसे तापसी को लगे ना समय ने पिंजरे के गोल गेट को अपनी आंखों से लोप किया। तापसी पिंजरे में खुद को बंद होता देख समय का हाथ पकड़ रोते हुए बोली, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे कैद मत करो, प्लीज मुझे कैद मत करो, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। समय तापसी से अपना हाथ चुरा के उसके गालों पर हाथ रख उसे सहला के बोला, डोंट क्राई बटरफ्लाई, रो मत, में तुम्हें हमेशा के लिए कैद नहीं कर रहा। तापसी पिंजरे में खुद को बंद होता देख समय का हाथ पकड़ रोते हुए बोली, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे कैद मत करो, प्लीज मुझे कैद मत करो, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। समय तापसी से अपना हाथ चुरा के उसके गालों पर हाथ रख उसे सहला के बोला, डोंट क्राई बटरफ्लाई, रो मत, में तुम्हें हमेशा के लिए कैद नहीं कर रहा। इसमें तुम तब तक कैद रहोगी जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, तब तक तुम इसमें रहोगी, मेरे आने तक मैं नहीं चाहता मेरी बटरफ्लाई उड़ने की कोशिश करे, मेरी चीजें मुझे कैद में अच्छी लगती है, ज्यादा हवा में उड़ने से पर कट भी सकते हैं, मेरी बटरफ्लाई तुम तभी उड़ सकती हो जब मैं चाहूं। समय इतना बोल तापसी के गालों पर किस कर पिंजरे से बाहर निकल आया। उसने गेट को लोक अपनी एक आंख को स्कैन कर और अपनी छठी उंगली के फिंगर से लोक किया, फिर जेब से फोन निकाल उसमें एक रिमोट ऑन कर लाल बटन प्रेस किया। समय के राइट हैंड में छह उंगलियां है। समय फोन जेब में रख वरुण राहुल की ओर मुड़, बिना इमोशन के जान प्यारी हो तो पिंजरे से दूर रहे ना वरना। समय ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, उसकी बातों में वार्निंग धमकी साफ नजर आ रही थी। समय एक नजर तापसी को देख वहा से निकल गया, उसके पीछे राघव राहुल वरुण को देख चला गया। राहुल पिंजरे के पास जाके जैसे ही पिंजरे को छने वाला था, वरुण ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। वरुण को ऐसे करते देख राहुल उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। वरुण राहुल को आंखों से ना में इशारा कर ब्लैक पिंजरे को देख बोला, छुना मत वरना जान से जाओगे। राहुल हैरानी से आंखें छोटी कर, मतलब तू कहना क्या चाहता है, मैं अपनी बहन को उसमें कैद रहने दू कोशिश भी ना करूं उसे निकालने की
कोशिश करने से नहीं रोक रहा, सिर्फ पिंजरे को छूने से रोक रहा हूँ, वरुण ने राहुल को पिंजरे से दूर करते हुए कहा। वरुण पिंजरे को ध्यान से देख बोला, ये पिंजरा समय का बनवाया हुआ है, उसकी कोई भी चीज खतरे से खाली नहीं होती, तूने शायद उसकी लास्ट बात नहीं सुनी, जान प्यारी हो तो पिंजरे से दूर रहना, मतलब साफ है उसने जरूर इसमें कुछ खतरनाक किया है, तूने ध्यान नहीं दिया, उसने डबल लॉक्ड पिंजरा बनवाया है, इसका मतलब साफ है बाहर के पिंजरे में कुछ तो होगा, वरना समय क्यूटी को ऐसे अंदर के पिंजरे में लॉक नहीं करता। राहुल वरुण की बात का मतलब समझ के वही बैठ गया। तापसी अपने भाई को देख बोली, दादा आप इसे मत छूना वरना आपको कुछ हो जाएगा, मैं यहाँ फेंकूं। राहुल बेबसी से तापसी को देख उसके आगे हाथ जोड़ के बोला, मुझे माफ कर दे बच्चा, तेरा दादा तुझे बच्चा नहीं पा रहा, एसीपी होके भी मैं अपने बच्ची को एक हैवान से नहीं बचा पा रहा, एक से बचाने के लिए अपनी क्यूटी की दूसरे हैवान के हवाले कर दिया, तेरे दादा को माफ कर दे, मैं तेरा भाई कहलाने के लायक नहीं हो। तापसी राहुल को बेबस रोते हुए देख खुद भी रो पड़ी, उसने रोते हुए कहा, नहीं दादा आप रोइए मत, आप बहुत अच्छे भाई हो, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो, आपकी क्यूटी को आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, और रही वापिस पिंजरे की तो मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब तक आएगी मैं यही रहूंगी, यहाँ से आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ, ऊपर रूम में तो मैं आपसे बात भी नहीं कर सकती थी, यहाँ तो आप मेरे आसपास रहोगे, क्यूटी को अपने दादा से जब बात करनी होगी वो कर सकती है। तापसी की बात सुन राहुल के चेहरे की बेबसी गिल्ट कुछ कम हुआ, उसने अपने आंसू पोंछ के खड़ा होके कहा, हाय तो तुम सही कह रही हो क्यूटी पाए, यहाँ से मैं अपनी बच्ची को देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोमिश करता हूँ मैं अपनी क्यूटी को जल्द से जल्द पिंजरे से निकाल लूगा, मैं तेरे सन की हीरो को बहुत जल्द मना लूगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसे मनाने में, लेकिन मैं उसे आज नहीं तो कल मना ही लूगा, बच्चा वो हम दोनों से गुस्सा है, खासकर तेरे दादा से, तेरे दादा ने उसे धोखा दिया है, उसकी कीमती चिज को उसे दूर किया था, जिसके कारण वो तुम्हारे दादा से गुस्सा है, तो दादा आप उनकी चीज उनको लौटा दो और कान पकस सॉरी बोल दो, वो आपको जरूर माफ कर देंगे, वो जितने बुरी दिखते है उतने है नहीं, वो क्यूटी को बहुत अच्छे से रखते हैं, हाँ पहले पहले वो मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे लेकिन अब नहीं करते, तापसी ने मासूमियत से अपने भाई को कहा। राहुल वरुण उसकी मासूमियत देख स्माइल करने लगे, वरुण मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी पाए हमने तेरे हीरो की चिज उसे लौटा दी और उसे सॉरी भी कहा, लेकिन जनाब का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा है, जिसे शांत करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत होगी। तापसी आंखें टिमटिमा के, मेरी जरूरत? राहुल ने कहा, हाँ बच्चा तुम्हारी जरूरत एक तुम ही हो जो उसे शांत कर सकती हो, उसे हमें माफी दिलवा सकती है, हमारा समय हमें वापिस लौटा सकती हो। तापसी कंफ्यूज्ड होके अपना सर खुजा के बोली, लेकिन दादा मैं कैसे उनको शांत करूंगी, वो तो अपनी आंखें बरी बरी कर मुझे हमेशा खामोश कर देते, आपको पता है आज सुबह क्या हुआ था, वो मुझे अपने साथ नहाने ले गए थे, तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।